बहुत से लोग प्रश्न कर रहे थे कल, महाराज जी हमको शांति कब मिलेगी? जिसे देखो वो शांति पाना चाहता, संपत्ति में भी शांति, धन में भी शांति, घर में भी शांति, पति से भी शांति, पत्नी से भी शांति, पड़ोसी से भी शांति, जहां देखो केवल शांति पाना चाहता। शांति की खोज में अशांति और क्रांति ला रहा है। ये शांति कहां मिलेगी? तुम लोगों ने कोई दुकान देखी शांति की? है? शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति तो अपने ही अंदर मिलेगी। तो शांति पाने का उपाय क्या? जैसे दृष्टि बदलने का उपाय गुरु है, वैसे ही शांति, अगर तुम शांत रहना चाहते, तुम अपना मन चित्त शांत करना चाहते हो, तो मेरे पागलों शांति पाने का भी सर्वोत्तम उपाय है। जीवन में सुखी रहना है तो अरमान कम रखिए, उड़ान भरना है तो सामान कम रखिए। हवाई जहाज पर कौन कौन गया? हाथ उठाओ। लगभग सभी लोग गए। हमने उसका नाम चील गाड़ी रखा, चील गाड़ी हवाई जहाज। आप लोग, अच्छा ट्रेन पर कौन कौन बैठा? मैक्सिमम लोग बैठे, ओके हाथ नीचे कर। बस पर मैक्सिमम लोग बैठे, अच्छे ओके हाथ नीचे करो। कभी आप ट्रेन में बैठे तो आपके सामान का वजन किया गया? बस पर, ऑटो पर, लेकिन जब भी आप हवाई जहाज पर बैठेंगे तो वजन तोला जाता है कि नहीं? यस नो, यस नो। क्यों? क्योंकि उड़ान भरना है तो सामान कम होना चाहिए। ये बहुत ही सूत्र है प्यारा, अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो सामान कम रखिए, अगर तुमको शांति चाहिए तो जिंदगी में अरमान कम रखिए। यह शांति के पाने का उपाय, पर यह भी कहां मिलेगी? अभी एक और नया लफड़ा, गुरुजी ये शांति कहां मिलेगी? शांति बाई चाय बना रही क्या? नहीं नहीं नहीं, वो शांति बाई की बात नहीं कर रहा, ये शांति मन की शांति, आत्म तृप्ति, संतुष्टि, पूर्ति, पूर्ति जिसे हम कहते बस हो गया, जब कई बार भोजन भयंकर खा लो और एक रसगुल्ला लो, नहीं नहीं बहुत शांति होगा, पेट भर गया अब नहीं खाना, अरे नहीं नहीं खा लो, हाजमा की गोली खा लेना, नहीं गुरु जी अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं खाना, अब पूर्ण हो गया। जब पूर्ण हो जाता है तब एक रसगुल्ला भी भारी पड़ता है और ऐसा लगने लगता कि दो चार दिन तो अब भूख ही नहीं लगनी है। कई बार ज्यादा खा लो तो ऐसा लगता अब तो सुबह भी नहीं खा पाएंगे, लेकिन पेट इतना खतरनाक है कि दो चार घंटे बाद ही कहने लगता कछु हो तो ले आ, नमकीन नहीं ले आ, एक दो बिस्कुटी दो। जब पाया था तब लग रहा था कुछ नहीं चाहिए, फिर थोड़ी देर में मांगने लगता। हमारी आत्मा, हम तुम्हें उदाहरण के तहत समझाना चाहते, ये शांति है जब पूर्ण हो जाता है, जब सब कुछ प्राप्ति हो जाती है तो मन कहता कुछ नहीं चाहिए, पर ये मन बड़ा खतरनाक है, इस मन पर लगाम लगाने के लिए ही सदगुरु की कृपा चाहिए। एक बार भारत की संस्कृति के परम महात्मा श्री दत्तात्रेय जी महाराज एक स्त्री के द्वार पर दस्तक दी, आवाज लगाई भिक्षाम देही। स्त्री ने दरवाजा खोला, दत्तात्रेय जी ने कहा कि कुछ हो देवी तो दो, साधु भूखा है। स्त्री ने कहा भगवान क्षमा करें, वर्तमान में घर पर कुछ नहीं है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं धान कूट कर आपको कुछ दूं। धान जानते हो? चावल। महात्मा ने कहा ठीक है। वो अंदर गई, स्त्री ने हल मूसर, पुराना जमाना एक मूसर हुआ करता था, धान का एक छोटा सा स्थान बना रहता था जहां पर मूसल चलाने से धान कूटती थी और बार बार उसका प्रयोग ऊपर से नीचे बार बार प्रयोग किया जाता था। लेकिन वो स्त्री विवाहित थी और उसकी हाथों में चूड़ियां थी, तो जब वो मूसल चला रही थी तो चूड़ियों की आवाज बाहर जा रही थी। उसने सोचा आवाज बाहर जाएगी, महात्मा को लगेगा कि ये बहुत दरिद्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, और आने पर ही व्यवस्था साधुओं की करती है, तो वो क्या करे,
हर बार एक बार मूसल चलावे और आवाज ना जावे तो चूड़ी कम करती जावे, पर आवाज फिर भी आ रही एक कम और की, आवाज फिर भी आ रही एक चूड़ी और कम की। 12 चूड़ियां पहनी थी पर आवाज तब तक बंद नहीं हुई जब तक एक अकेली चूड़ी नहीं बची। जब दोनों हाथों में अकेली चूड़ी बची तब फिर उसकी आवाज हाथ की बंद हुई। महात्मा दत्तात्रेय ने लिखा, कहा है, इसी प्रकार जिंदगी है, जब तक तुम्हारी जिंदगी में अनेक प्राप्ति के अरमान रहेंगे, संकल्प रहेंगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में अशांति और आवाज और शोर और शराबा मचा रहेगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर केवल और केवल प्रभु के पाने का, शांति को पाने का, विश्व के कल्याण का, वसुदेव कुटुंबकम का संकल्प अकेला एक रहेगा, उसी दिन शोर शराबा बंद हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में शांति हो जाएगी। एक अकेला संकल्प, मात्र एक संकल्प। अब वो संकल्प क्या होना चाहिए? प्रभु को पाने का। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय जय। करो गुरुदेव विपिना